पर सांप ने खोप लिया, मतलब कभी इसका शिकार हुआ होगा। आगे आगे अभी ठंड चल रही है तो गुलाबी हो जाएगी। ये आ गया भाई खाना अपना, भगवान ले रहा होगा कि कोई जिम्मेवारी नहीं है इस तरीके का। कहानी तो भाई अब ब्रेकफास्ट लग चुका है अपना, सब कुछ तैयार है, अपन जाना है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट में आया तो टाइगर देखेंगे आज, या टाइगर हमें देखेंगे। इनका कैफेटेरिया बाहर, सामान लोड हो रहा है अपना, सामान जबरदस्ती घुसाने की कोशिश क्योंकि सामान बहुत सारा था, 7-8 दिन के लिए निकले हुए थे। ले भाई कॉफी आ गई है, अब मिलते हैं हम जिम कॉर्बेट सीधे आपको, ठीक है। तो भाई जिम कॉर्बेट में हमने जिप्सी कर ली, तो भाई जिम कॉर्बेट खड़े होते हैं आप बाहर, मतलब 15-20 किलोमीटर पहले ही खड़े होते हैं। वैसे तो ऑनलाइन बुकिंग होती है जिम कॉर्बेट की, जो अलग अलग गेट्स हैं उनके अलग अलग प्राइजेस हैं। स्टे का भी है रात को, जो अंदर रिजॉर्ट बने हुए हैं काफी, मतलब मुझे अभी एंट्री करनी शुरू ही की थी हमने, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं गाँव से हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपने गाँव की तरफ ही चल रहे हैं। लेडीज ज्यादा होता है, शहरी जो लोग होते हैं उन्होंने नहीं देखा तो उनको बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन शहरों जो गांव में रहते हैं, गांव देख चुके हैं, गांव में रहे हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं लगेगा। गाइस अब हम ये जिम कॉर्बेट में आ गए हैं, अब शेर हमें खा जाएंगे। वहां से मिल लिया टिकट गाइस, ले 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 1000 रुपए की टिकट है, 800 रुपए गाइड, और जो तुम्हारी गाड़ी है वो जितने ले ले, हमसे लिए 3000 रुपए, लुट गए हैं पता नहीं, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। 29 लिख दो तुषार, 42 सनी, 55 16 22 भाई भाई यह वीडियो भेजना मुझे, ये गणेश चलो मेरा पूरा एड्रेस संभारा ना। 22 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, चलो भाई वगैरह नहीं मचाएंगे, जानवर दिखे देखेंगे, हम कोई अपने पास फायर आर्म्स नहीं कर रहे हैं, गन वगैरह कोई चीज नहीं है। तो भाई मर गए तो कोई गारंटी इसमें कुछ ऐसा भी तो लिखा होगा कि कोई जिम्मेवारी नहीं है इस तरीके का, लिखा है ना, सब लिखा है, लिखा कहां लिखा है, लिखा पढ़ लो दिखे से नहीं, पढ़ सुना बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो बस भाई हम राम का नाम लेके घुसते हैं क्योंकि इन्होंने पहले ही बोले स्वागत है आपका जिम कॉर्बेट में, तो ओपन देख ही रहे हो, गाइड भाई खुल गए हैं, बस 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 भाई सनरूफ में से बाहर आ गए भाई हमारे, भाई वो गाइड ऐसी 50 वीडियो है मेरी, मेरा नाम गौरव है। अच्छा गौरव भाई बताओ, गौरव पर गई थी जी भाई, आपका पार्ट हो गया, स्वागत है पार्ट ऑफ इको टूरिज्म जोन, आपने गेट पे पढ़ लिया हुआ। एरिया जो है हमारा 2516 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 2516 हेक्टेयर मतलब आपका 25 स्क्वायर किलोमीटर, साल लगते हैं और जितना पानी इस पे लगता रहता है उतनी मजबूत इसकी लकड़ी होती रहती है। अच्छा इसकी लकड़ी खाना चालू कर दो, पानी पड़ने के बाद जब अच्छा समझ रहे हैं लकड़ियां खाया करो ये गोबर है भाई, ये हाथी का गोबर है शायद, बिल्कुल हो जाएगा। वाटर होल है, आर्टिफिशियल बना हुआ है, गोल बना हुआ दिख रहा है सीमेंटेड, तो ये मतलब मैन मेड है, बनाया गया है जानवरों को पानी पीने के लिए, अंदर कुछ नेचुरली मिल जाएंगे बड़े बड़े, उसके बारे में आगे ही देखेंगे और आगे बताएंगे, अच्छी बातें हैं। व्यू है वो जो थी नीलगाय थी, ठीक है, जो इन्हें दिखा गाँव में वो नॉर्मल होती है, वो देखा चीज थी लेफ्ट में, ये दीमक, अच्छा दीमक की बांबिया, इतना सारा दीमक, बहुत सारे पेड़ खा के पूरा, आपकी हाइट से भी दुगने दुगने बहुत है मेरी। अच्छा इतने दीमक आगे पेड़ जो होता है ना उनके यूज, आपके पहले साल में ट्रेन की पटरियों में लकड़ी के स्लीपर डले हुए देखे होंगे, हां नहीं ये होते थे, पानी पट्टी का जो और मजबूत हो जाती है।
तो गौरव भाई बता रहे हैं पहले जो ट्रेन की पटरियां होती थी ना उसमें यूज होता था इन पेड़ों का, साल के पेड़ों की लकड़ियों का, क्योंकि बहुत मजबूत लकड़ी होती है और पानी डलने से ये और ज्यादा मजबूत होती है। करीबन कितना प्रोटीन होता है दीमक में? भाई दीमक भाई क्यों नहीं खाऊंगा मैं, अगर 100 ग्राम में 50 ग्राम प्रोटीन हुआ तो बिल्कुल खेल लेंगे। ये देख डियर का एंटीलर है ऊपर सांप में खोपड़ी है, मतलब कभी इसका शिकार हुआ होगा। डिपार्टमेंट वाले गश्त के लिए आते रहते हैं ना। कहाँ है खोपड़ी का? इसकी डिपार्टमेंट वाले आते रहते हैं, उन्हें कहीं गिरी मिली होगी, उन्होंने रखी है खाली दिखाने के लिए। अच्छा, ये तो नॉर्मली जो लाइन जैसी दिख रही है वहाँ से झड़ जाते हैं इनके हर साल। अच्छा, एंटीलर्स और हॉर्न में यही फर्क होता है, एंटीलर हर साल गिरता है। थोड़ा सा शोर मचा रहे थे भैया ने कहा कि शोर मत मचाओ, हमारी आवाज़ें 3 किलोमीटर तक जा रही है, आवाज मत शोर मचाओगे तो जो निकलने वाला भी होगा टाइगर या कुछ भी जानवर नहीं निकलेगा। ये टाइगर के बहुत बड़ा पाँव है यार, ये तो सुबह नहीं है दिन का है। ये टाइगर के निशान है पाऊं के, इसमें डस्ट गिरी हुई है बीच में, अगर फ्रेश होता तो बिल्कुल प्लेन होता अंदर का। अच्छा पड़ा है प्लेन सब जगह। अच्छा डस्ट गिरा हुआ है तो मतलब पुराना है। बता रहे हैं कि सॉफ्ट रास्ते पे चलता है शेर और उसका वजन जो होता है 250-300 किलो का होता है, जब चलता है पत्तों की तक की आवाज नहीं आती, तब पत्तों की आवाज भी नहीं आएगी। अच्छा तो भैया टाइगर तो चलता है, वो चलता है सॉफ्ट रास्तों में, क्योंकि हाँ क्योंकि काटा लगने के बाद उसे बेचारे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। हाथी तो आएगा नहीं उसे काटने का, सही बात है, वरना खा ही जाएगा। सही बात है, इसलिए डर भी इतना बनाओ कि लोग तुम्हारे पास आ सके। कंक्लूजन ऑफ दिस तो एक साल में ऐसा कोई एक्सपीरियंस की सामने शेर ने या किसी जानवर ने किसी इंसान को खा ही लिया हो, डराना अलग चीज। जानवरों को खाया, जानवरों को खाते हुए मतलब इलाकों तो इलाका तो कुत्तों का सुना था, शेरों का भी होता है? देख रहा भाई अब समझ की है, शेरों का भी इलाका ही होया है। अच्छा फिर जो जीतता वो एरिया उसका होता है। तो भैया बता रहे हैं 56 तरीके के मैमल्स नहीं होंगे यार एशिया में, टॉप मोस्ट नंबर वन पे है ये। हाँ। जिम कॉर्बेट होंगे। हाँ एशिया में तो है ये, एशिया में नंबर वन, वर्ल्ड में नंबर टू। अच्छा जी वर्ल्ड में नंबर। हाँ भाई ये दीमक भाई इतनी बड़ी है, इतना लंबा चलता है, अगर उसको खाली रोड मिल गई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाई दो पाँव कितना लंबा लंबा डाल रखे हैं। भैया कह रहे हैं टाइगर के लिए उनके लिए भी नया है दिल्ली। नेचुरल मतलब बारिश में पानी जमा हो जाता है तो इसमें सूख जाता होगा गर्मी में, तो सूख जाता है धीरे धीरे फिर बारिश आ जाती है। अच्छा तो ये हमारा नेचुरल जो था वो मैन मेड था पहले, ये नेचुरल है, ये बारिश में भर जाता है और सूख जाता है तो पानी उसमें दोबारा डाल देते हैं। इनसे पूछो कुछ दिखाया क्या? कुछ नहीं दिखा। वो बात हो वाह भाई, बस हिरन दिखे हैं इनको, ये आ गए तीसरे पांव। आराम से चलाओ यार भाई, तीसरी टेरिटरी है। इसके बच्चे 4 हैं, कैसे पता? कैसे पता आपको? भैया टाइग्रस है जिसके बेबी हुए हैं अभी, ठीक है,
तो उसी के पंजे थे उसी की टेरिटरी में थे। दिखाता हूँ उस टाइगरस को रियल में तुम्हें, तीसरे बैठो कुर्सी की पेटी बांध लो, दिखने वाली है टाइगरस। तो हमें फिर से पंजे दिख गए हैं भाई। अच्छा ये अलग है, मतलब इतनी जल्दी टेरिटरी चेंज होती है क्या? फीमेल हो सकती है, मेल की टेरिटरी होती है। अच्छा फीमेल उसमें एक से दो हो सकती है। अच्छा मतलब एक राजा की कई रानी। तो जैसे मेल टाइगर होता है ना, अपने मेल बच्चों को मारने की कोशिश करता है। अच्छा कि बड़े होके मेरी टेरिटरी ना हत्या ले। अच्छा मतलब बाप बना खूनी। हाँ हाँ बहुत हरामी आदमी है शेर तो। मैं तो शेर को भला आदमी समझता था, बहुत हरामी है तो। अपने लिए कौन भला होगा, अपने तो भला है ही, अपनी बचाओ कर रहा है, क्योंकि जब वो बूढ़ा हो जाएगा फिर ये जवान हो जाएंगे लौंडे। सही बात है, अपने को ही बचा रहा है। मतलब तभी भेड़ी अच्छे होते हैं। टाइगर जो है 50+ है। 50 प्लस टाइगर से 50+। अच्छा और हाथी? हाथी 1000 करीब, 1000 के करीब। अच्छा यार हाथी भी तो बैठ जाते हैं क्या दिन में? हाथी भी रात को ही चलते हैं क्या? हाथी दिन में कम से कम 17-18 घंटे चलता रहता है, खाता रहता है। अच्छा खड़े खड़े सोता है हाथी, बहुत कम रेस्ट करता है, जो करेगा खड़े खड़े ही करेगा, बैठेगा बहुत कम, बैठा हुआ बहुत कम दिखेगा। इसमें कह नहीं सकते, हाथी जो होता है ना माइग्रेटिव होता है। अच्छा अपना नेपाल के जंगल तक भी जाता है। अच्छा राजस्थान तक भी जाते हैं। अच्छा और एक ही तो टाइगर कितने होंगे इस जंगल में जी? टाइगर कितने होंगे और पूरे गवर्नमेंट में? नहीं इसमें, इसमें जोन में 10 से 12 टाइगर होंगे बस। तो गाइस ये आ गए हैं रेस्ट हाउस, यहाँ हम अपना जानवर रेस्ट जा रहे हैं, अपना जानवर रेस्ट कराने। यहाँ चाय पानी भी रखते हो, 10-15 मिनट रुकेंगे ठीक है वो कैंटीन। जिम कॉर्बेट घूमने आए थे, हाथी का गोबर, शेर के पंजे, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा। ये आ गया कैंटीन, 10-15 मिनट बैठ के यहाँ पियेंगे चाय। भाई हमें पता नहीं क्या दिखा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं ठीक है, बस चाय पी के चलेंगे शेर की खोज में। मिला तो ठीक, नहीं तो हमारे पास खुद का शेर है, उसे देख लेंगे। क्यों से नहीं भाई? तुषार भाई अब तक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पैसा बर्बाद। हमें एक बहुत दूर से दिखाया गया हिरन ठीक है जी, हाथी का गोबर दिखाया गया, नील गाय दिखाई गई। आओ तो चाय पियेंगे, चाय के रेट भी दिखा दे, 30 रुपए 60 रुपए को मूंग लगा लिया था भाई। तो भैया का हमारा गिर गया था कमला पसंद, उसको ढूंढने गए हैं। अरे नहीं सही है इंशाल्लाह। निकल गए भाई यहाँ से, भैया से बातचीत में पता लगा ऑनलाइन बुक करो तो टिकोला बुक करो, वो तो सबसे बेस्ट गेट है ठीक है, और सबसे जल्दी सोल्ड आउट हो जाता है, और सबसे जून जुलाई ये सबसे क्राउडी एरिया क्राउडी सीजन यहाँ का आने, तो आने की कोशिश करो उसी वक्त, अपने को तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा इस वक्त। अभी ठंड चल रही है तो गुलाबी हो जाएगी, बाकी जैसी समर आती है वैसी वापस ग्रीन हो जाएगी। टेंपरेचर का ये असर पड़ता है इसमें, सर्दियों में ये पिंक वैसे ग्रीन। मगरमच्छ आपको मिलेंगे, ढिकाला जोन है एक हमारा, वहाँ पे मिल जाएंगे। वो जो सबसे बढ़िया बता रहे थे आप, बालू मारता है आदमी को पकड़ के, मतलब जिंदा छोड़ देगा, तड़पा देगा खाली की जिंदा नहीं छोड़ेगा, कह रहा खा जाता है। अच्छा हमला हो गया बहन की लोड़ो तुम पे। तो जिम कॉर्बेट में अपन को दिख रहे हैं बस हिरन, ये अभी तक पंजे हिरन आ गया। आ गया भाई, ये देखो वीडियो बनाओ भाई, रह जा थोड़ी देर, वीडियो बनाओ। बनाई ओ हिरन भी, हिरन भी टाइगर निकल गया। अरे हिरन भी तो है, जरा 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 हिरन देखो पीछे उठ के जा रहा है, सब आ गए बाहर, कितने सब देख के। शायद तुम लोग को हमेशा लगता होगा कि हिरन को देखते मार देता है शेर, चीता ऐसा होता नहीं है कभी भी, मतलब उसको भूख लगती है तो खाता है, जंगल का नियम है भूख जितना उपयोग हो उतना ही लेना है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जहां देख लिया वहां मार दिया खा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ हिरन क्या काम करते हैं, यहाँ पे कॉल देते हैं, अब साउंड तो रिकॉर्ड नहीं हो पाई पर्टिकुलर क्योंकि मेरे पास मतलब उस टाइप के माइक नहीं थे, नहीं तो इस टाइम एक साउंड क्रिएट करते हैं हिरन सबको बताने के लिए। अभी निकला है यहाँ से टाइगर और हिरन जो है
हिरन जो है वो कर रहे हैं कॉल, मतलब ये कॉल कर देते हैं सबको बताने के लिए कि टाइगर मूवमेंट कर रहा है। सारे देखो सामने दिख पा रहा है शायद, ये सारे हिरन है जो रोड पर आ गए हैं। ये देखो अभी इन्होंने कहा कि क्रॉस करेगा सामने से, तो सब की सब लाइन लगा के भीड़ लगा कैमरा लेके सारे खड़े हो गए, लेकिन मेरा कद्दू टाइगर है वो। तो भाई 10-15 मिनट वेट करने के बाद हमें पता लग गया है टाइगर यहाँ तो नहीं निकलेगा, कहीं और निकलेगा। अब हमें टाइगर के तो दोबारा दर्शन नहीं हुए, लेकिन हाथी दिख गया तो तुम्हें भी दिखा देता हूँ। अपने आवाज़ें निकाल रहे ये जो है जोड़ है जिम कॉर्बेट का, इसमें बेसिन आती है नेचुरल वाटर होल के नाम पे जोड़ी है। गंदा पानी जानवर कैसे पी लेते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ इसी में ना इसी में आगरे में चीजें पी हाथी के पैर लगे हुए हैं गोल गोल। हाथी के पैर अभी हम वेट कर रहे हैं टाइगर का कि क्लोज से दिख जाए, हमने देख तो लिया ही है लेकिन क्लोज अप चाहिए अपन ने, क्लोज अप पैसा पूरा वसूल करना है, मेहनत करी है भाई हमने। दोबारा टाइगर नहीं दिखा तो हमने सोचा बकचोदी कर ले, तो ये बता रहे हैं भैया कि बरसात में एक दो ही जोन खुले होते हैं जिमना और ठेला। अच्छा ढेला हाँ जी अच्छा मतलब सबसे ज्यादा हाथी गिराता है, तो इतने बड़े पेड़ को भी गिरा देते हैं हाथी, इतने बड़े पेड़ को गिरा देते हैं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, हम जा रहे हैं गाइस अब जो है हाथी की तोड़ फोड़ देखने, उसकी टट्टी देख आप दिखाएंगे आपको तोड़ फोड़। एग्रेसिव होता है हाँ। तो ये पेड़ गिराने का काम करता है, जैसे मान लो नॉर्मली हम हैं हाँ। उनको कभी गुस्सा आता है हाँ। हम चीजें फेंकते हैं हाँ। हमें शांति मिलती है अंदर से हाँ। थोड़ा रेस्ट मिलता है, वैसे हाथी के साथ भी होता है, जब एंग्री होते हैं तो पेड़ तोड़ के शांति लेते हैं, शांति प्राप्त करते हैं। अच्छा मतलब जैसे दीवार में बुत मार रहे हो तो ये जो तोड़ के तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, हाथी चीजें फेंकते हैं ना वैसे हाथी चोट फेंकने लगते हैं। नहीं किसी के लग गया थोड़ी पेड़ तोड़ते हैं सूंड से पकड़ते हैं। अच्छा सूंड से पकड़ते हैं नहीं टक्कर से, सूंड से पकड़ते हैं सर से टक्कर में। अच्छा फटी का कितने नहीं पड़ता बहुत ज्यादा, इनकी चर्बी इतनी मोटी रहती है। अरे किसी में भाई कुछ हो ऐसे की चर्बी देखी है हैं उसकी भी चार गुना ज्यादा होती है। किसकी वैसे की चमड़ी से तेरे बराबर गोली भी असर न करती है जंगली सुअर ये तो बहुत अंदर होती है कहावत है, तो जंगली सुअर ही उसका सामना कर पाता है। तो बस भाई यही थी, हम निकल चुके हैं, गोरा भाई ने बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हमें। कैसा लगा आपको घूम के यहाँ पे बताना जरूर गोरा भाई को, नंबर भी डाल दूंगा गोरा भाई का मैं नीचे, आप बताओ आपको कैसा लगा यहाँ घूम के। अरे देखो ठीक ठीक था मेरे लिए, तो मैं ऐसे कहूँ हम देखो हम देखने आए थे टाइगर, बस उसकी एक ही झलक देख पाए वो तो नहीं मिली। हाँ चल रहा था किस तरीके से लोग कह रहे थे हाँ मतलब अप्रोक्स हाँ, गाड़ी हाँ, कितनी गाड़ियों को दिखा हाँ, 90% लोग बस एक ही चीज देखना सच में टाइगर वही आते हैं देखने हाँ, बाकी वहाँ पे जो हथी हमारी टाइगर देख रही सिंगल गाड़ी को दिखा उस समय हाँ, बाकी उसके बाद मूवमेंट उसके बाद दो गाड़ियों को और दिखा, मतलब इतनी सारी गाड़ी थी 3-4 गाड़ी को ही दिख पाया, क्या पता कितनों को दिख गया हमें नहीं पता। ये बात सही है, तो चल ही रहा हो गया हम अभी तो गए हाँ, वहाँ पे खड़े भी थे कुछ लोग, वहाँ दिखा किसी को कहीं और दिखा होगा, वहीं पे नहीं है टाइगर जोन बटे उड़े हुए हैं बहुत सारे। सही बात है ठंड भी पड़ गई है काफी। नाम है इसका जंगल सफारी, आपको जंगल मिल रहा है हाँ। सफारी में मिलती है हाँ। तो आपको बोनस पॉइंट रहता है ऊपर। अच्छा एनिमल्स बोनस पॉइंट रहता है तो मूवमेंट में हाँ। हमारा आपका मैं पहले ही बोलता
ज्यादा मतलब जो भी है बस जंगल सफारी सोच का है, आगे मत सोच का है कुछ। ठीक है भाइयों, अभी कुछ निकलेंगे यहाँ से, दिखाते हैं कैसे निकला जाता, क्या है, क्यों है, कैसे, कब है। एक मिनट, टेरिटरी मार्क करने के लिए क्लॉ मार्किंग करता है, पेड़ पे निशान लगाता है, ये सामने देखो। अच्छा। पेड़ पे निशान लगे ना, अपने नाखूनों से स्क्रैच करता है। इतनी ऊपर तक कर देता है वो, खड़ा हो जाता है यार, हमसे बड़ा है वो। ये टेरिटरी मार्क करके उसने अपनी टेरिटरी मार्क करता है, और जो अपनी टेरिटरी की बाउंड्री मार्क करता है, सेंट मार्किंग, यूरिन मार्किंग से करता है। उसकी यूरिन की जो स्मेल होती है अप टू 40 दिन तक रहती है। अच्छा। बाकी अपनी टेरिटरी में घूमता रहता है, करता रहता है। अच्छा, मतलब मूत की स्मेल भी उसकी 40 दिन तक रहेगी, इसीलिए शेर बोलते हैं उसे। फीमेल ये तुम डर के भाग गए। देख स्पॉटेड डियर का मेल है, एंटीलर वाले मेल होता है, विदाउट एंटीलर हमने देखे वो फीमेल होती है। अच्छा, मतलब जिनके सींग है वो मेल है। सींग भी देखो अलग अलग हो रही है, आगे वाले की थोड़ी अलग है, पीछे वालों की अलग है, पीछे वालों की जो है नहीं आ रही। अच्छा, रुए जैसे दिख रहे हैं। इनकी सींग में खुरचोगे ना कौन टाइप का निकल जाएगा। अच्छा। राज वाले की अलग है, अभी ये क्रॉस करेंगे पीछे से शायद। हर साल इनके गिरते हैं और नहीं आते, तो हमें मिल सकते हैं गिरे हुए? गिरे हुए मिल सकते हैं? नहीं, गिरे हुए मैंने आपको दिखाए थे ना। नहीं मतलब जरा घर ले जाने, अलाउड नहीं है। ओ यार, एक बग गया होगा। क्या है वो आ रहे हैं सामने? ये तो बंदर है, डियर ही थे। मैं वही था, वो इधर चले। मतलब ये बताओ, अगर मुझे यहाँ पड़े मिल जाते तो नहीं ले जा सकता बाहर में? नहीं, मतलब बाहर मुझे रोक लेंगे। वो रहे ना, वो खड़ा यहाँ में ही देख रहा भाई, वो देखो देख रहा हूँ मैं। कौन सा आपकी तरफ है? भक्या आपकी तरफ वाले। अरे यार क्या ये, तो भाई जंगल सफारी एंड हो गई है। सफारी आपकी एंड हो चुकी है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे करो भाई? अब आपको हो गया, आपको घुमा दिया है जो कहना था। नहीं देखो, अगर जंगल सफारी के पर्पज से आ रहे हो या पेड़ पौधे या फिर कुछ जानवर देखने आ रहे हो तो बिल्कुल आओ भाई। टाइगर के लिए देखो पेशेंस रखना पड़ेगा, दो दिन भी हो सकते हैं, एक दिन भी लग सकता है, दो घंटे भी लग सकते हैं, और तुम्हें तुरंत भी दिख सकता है। पर हमने देख लिया। हाँ, वो हमने देख लिया है, वो तुम्हारी किस्मत पे डिपेंड है होता क्या है। सबसे अच्छा जो गेट है वो तुम्हें बता ही चुका हूँ मैं कौन सा है। भाई ने खोल दिया गेट, धन्यवाद भाई। चलो जी, ये लड़के स्माइल। चलो जी, चलो चलो। तो आज ही जंगल सफारी करते हैं एंड, मिलेंगे अगले व्लॉग में। गौरव भाई ने बहुत बहुत सही घुमाया हमें।